फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में चूक पर आज तक स्टिंग ऑपरेशन, पुलिस को वक्त रहते दी थी किसानों के जाम की खबर। स्टिंग ऑपरेशन में एसएचओ का बयान, पुलिस को सख्ती का निर्देश होता तो नहीं बैठ पाते प्रदर्शनकारी। खुफिया विभाग के डीएसपी सुखदेव सिंह ने कैमरे पर बताया, 2 जनवरी को बता दिया था कि किसान विरोध के लिए सड़कों पर उतरेंगे। फिरोजपुर मोगा रोड, फिरोजपुर जीरा रोड, फिरोजपुर फाजिलका रोड, टू डने का वर्कर्स ऑफ बीजेपी, टू रीच वेन्यू ऑफ रैली एट फिरोजपुर, रोकने वास्ते लाउंगे। ये आपने एडवांस में उनको बताया? एडवांस दो। सुखदेव सिंह का खुलासा, पीएम के आने से ठीक पहले जारी किया था अलर्ट, पुल जाम करने के बारे में भी दी थी खबर। आज तक के खुलासे के बाद बीजेपी की कड़ी प्रतिक्रिया, जेपी नड्डा बोले देश से माफी मांगे कांग्रेस। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने भी पंजाब सरकार को निशाने पर लिया, साजिश की तरफ किया इशारा। पुलिस के माध्यम से इस रैली को विफल करने का षड्यंत्र रचा था और ये षड्यंत्र वहां से लेकर के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और उनकी जान को खतरा पहुंचाने तक पहुंचा था। पंजाब सरकार ने बचाव में दी दलील, फिर कहा बात का बनाया जा रहा है बतंगड़। बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, सच तो ये है, वो स्वीकार करना चाहिए बीजेपी वालों को कि पंजाब में उनकी रैली फेल हुई है। पीएम की सिक्योरिटी में सेंध पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कमेटी बनाने की बात पहले ही कह चुकी है सर्वोच्च अदालत। रिटायर्ड जज की अगुवाई में बननी है कमेटी, केंद्र और राज्य सरकार की जांच पर लगाई थी रोक। अकाली नेता मजीठिया का दावा, सीएम चन्नी ने रची थी पीएम की सिक्योरिटी में सेंध की साजिश। हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कई संतों पर दर्ज हुआ था केस। भारत चीन के बीच आज से फिर शुरू होगी बात, गतिरोध पर आज मोल्डो में मीटिंग। पीएम की आज तमिलनाडु को सौगात, 11 मेडिकल कॉलेजों का करेंगे उद्घाटन। 4000 करोड़ से बने हैं ये मेडिकल कॉलेज, आधे से ज्यादा पैसा केंद्र ने दिया। पीएम मोदी आज 25वें राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल का करेंगे उद्घाटन, कोरोना के खतरे के मद्देनजर वर्चुअल होगा कार्यक्रम। सीएम ममता बनर्जी आज करेंगी गंगा सागर मेले का उद्घाटन, हाईकोर्ट ने लगाई है कई तरह की बंदिशें। बढ़ते कोरोना के बीच बंगाल में आज लोकल बॉडी के चुनाव, कल बंगाल में आए थे 21,000 केस। देश में जारी है कोरोना का कोहराम, दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 21,259 नए मरीज, एक दिन में 23 लोगों की मौत। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण, 25% के पार पहुंची पॉजिटिविटी दर। दिल्ली में लॉकडाउन से सरकार का इनकार, केजरीवाल बोले हालात सुधरते ही हटाई जाएंगी पाबंदियां। ये रिस्ट्रिक्शंस बहुत 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 मजबूरी में लगाने पड़ रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि रिस्ट्रिक्शंस को जितना जल्दी हो सकेगा हम उठा देंगे। दिल्ली में और सख्त की गई पाबंदियां, राजधानी के सभी प्राइवेट ऑफिस बंद, घर से काम करेंगे कर्मचारी। दिल्ली में बंद किए गए रेस्टोरेंट, बार जारी रहेगी टेक अवे की सुविधा, कोरोना को देखते हुए डीडीएमए का फैसला। कोरोना मरीजों के लिए कल से ऑनलाइन योग क्लास शुरू करेगी दिल्ली सरकार, होम आइसोलेशन वाले पेशेंट्स को भेजी जाएगी वेब लिंक। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे अरविंद केजरीवाल, कोरोना से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। मुंबई में थोड़ी थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 11,647 नए मरीज, संक्रमण दर में 4% की कमी। मुंबई में लोकल स्टेशनों पर कोरोना जागरूकता अभियान चला रहा है रेलवे, लोगों को बीमारी की जानकारी दे रहे हैं आरपीएफ के जवान। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1,68,000 नए मरीज, एक दिन में 277 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में एक दिन में सामने आए 21,000 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 19 लोगों की मौत, 32% के पार पहुंचा संक्रमण दर। यूपी में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मरीज, 1.85% है पॉजिटिविटी दर। कर्नाटक की सीएम बसवराज बोम्मई कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया होम आइसोलेट, पीएम मोदी ने फोन पर जाना हाल। लोकसभा स्पीकर ने संसद परिसर में सैनिटाइजेशन और कोरोना से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा, बजट सत्र को लेकर कवायद।
कोरोना पॉजिटिव हुई मशहूर गायिका लता मंगेशकर, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कराया गया भर्ती। मकर संक्रांति पर हरिद्वार में गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने लगाई पाबंदी। कोरोना ने फीका किया त्योहार का रंग, लोहड़ी से पहले पंजाब के बाजारों में पसरा सन्नाटा। सूरत के कपड़ा बाजार में पसरा सन्नाटा, कोरोना की तीसरी लहर में 6000 करोड़ के नुकसान का अनुमान। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक दिन की हड़ताल पर हैं हरियाणा के डॉक्टर्स, 14 जनवरी से अनिश्चितकालीन कामबंदी की चेतावनी। संक्रमण के खतरे से निपटने के लिए पहल, आगरा में ताजमहल में नई पाबंदियां लागू। दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर आज से तैनात मिलेंगे मास्क मैन, लापरवाह लोगों को मुफ्त देंगे मास्क। प्रयागराज के माघ मेले की तैयारी जारी, 14 जनवरी को होगा स्नान, कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। जोधपुर में कोरोना को लेकर जागरूकता की कोशिश, प्रशासन ने निकाला रूट मार्च। बारामती में कोरोना नियम टूटे, संक्रांति के मौके पर बाजारों में भारी भीड़। चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका, स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा, बोले दलितों पिछड़ों की हुई अनदेखी। इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को दी चुनौती, कहा धरे के धरे रह जाएंगे पार्टी के बड़े बड़े। तो जिन नेताओं को घमंड था कि वो बहुत बड़े तोप हैं, उस तोप को मैं 2022 के चुनाव में ऐसा दागूंगा कि उस तोप से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वाहा हो जाएंगे। इस्तीफा देने के बाद अखिलेश यादव से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, बोले 2-3 दिनों में लेंगे फैसला। स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने किया स्वागत वाला ट्वीट, लिखा सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद बीजेपी के 3 विधायकों ब्रजेश प्रजापति, रोशन लाल और भगवती सागर ने भी दिया इस्तीफा, समाजवादी पार्टी में जाने के कयास। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की बैठ कर बात करने की अपील, लिखा गलत साबित होते हैं जल्दबाजी के फैसले। नाराज नेताओं को मनाने में जुटी बीजेपी, सुनील बंसल और स्वतंत्र देव सिंह को दी गई जिम्मेदारी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को लेकर अपना दल ने बीजेपी को दी नसीहत, कहा सामाजिक न्याय से जुड़े नेताओं के आत्मसम्मान के साथ ना हो खिलवाड़। यूपी में इस्तीफे के बीच टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक, सीएम योगी समेत सूबे के कई दिग्गजों ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ की माथापच्ची। यूपी में करीब 45 विधायकों का पत्ता काट सकती है बीजेपी, सूत्रों के मुताबिक सरकार से नहीं स्थानीय एमएलए से है लोगों की नाराजगी। चुनाव आयोग की रैली पर पाबंदी के बीच यूपी में बीजेपी ने बदली प्रचार की रणनीति, बड़े बड़े नेताओं का डोर टू डोर कैंपेन पर जोर। चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है कि 5 व्यक्तियों को लेकर घर घर संपर्क करना है, आज उन लाभार्थियों के हम लोग पहुंचना है जो सरकार द्वारा राज्य के अंदर करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती, यूपी में सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी पार्टी। बीएसपी ने किया यूपी में सरकार बनाने का दावा, सतीश मिश्रा बोले समाजवादी पार्टी और बीजेपी का सूपड़ा हो जाएगा साफ। देखिए ये दोनों पार्टियां अब की बार साफ हैं, ये दोनों मैदान से बाहर हैं और अब की बार पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी ही उनकी आस हैं। शरद पवार की पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए कसी कमर, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी एनसीपी। यूपी की सियासत को लेकर शरद पवार का बड़ा दावा, बोले जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे बीजेपी के 13 विधायक। पंजाब के मोगा में कांग्रेस के मौजूदा विधायकों के समर्थकों का बवाल, सोनू सूद की बहन को टिकट मिलने के कयास पर नाराजगी। पंजाब के पठानकोट में सुरक्षा एजेंसियों का फ्लैग मार्च, चुनाव के मद्देनजर सिक्योरिटी ड्रिल। प्रयागराज में बीजेपी का डोर टू डोर संपर्क, तिलक लगाकर मांगा समर्थन। आगर मालवा में सैकड़ों किसान परेशान, पटवारी की गलती से फसल बीमा से हुए वंचित। हैदराबाद में लिटरेरी फेस्टिवल 28 से, कोरोना के मद्देनजर वर्चुअल तरीके से आयोजन। समस्तीपुर के सरकारी स्कूल में अनूठी स्टाइल में बनी लाइब्रेरी, हवाई जहाज की शक्ल में बनी है इमारत। सहारनपुर में गैंगस्टर पर एक्शन, भूरा की 1 करोड़ की जायदाद कुर्क। आजमगढ़ में पहुंचा शहीद जवान का पार्थिव शरीर, लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। अमृतसर में लाखों के गहनों की लूट, कैमरे में कैद, हथियार के दम पर दिया वारदात को अंजाम।
झालावाड़ में सिपाही को अगवा करने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार। बीजेपी दफ्तर में कोरोना विस्फोट, 42 लोग मिले संक्रमित। साइना नेहवाल को लेकर आपत्तिजनक कमेंट पर एक्टर सिद्धार्थ ने मांगी माफी, साइना को लिखा पत्र। कटनी में चोरी की अजीब वारदात, शादी के लिए जमा करने थे पैसे, बैंक में सेंधमारी करके पार किए 1,00,000 रुपए। शाह और योगी की रैली में जय श्री राम के नारे लगाने वाले मुस्लिम युवक को दी पुलिस सुरक्षा, लगातार मिल रही थी धमकियां। बिहार में फतुहा में टमाटर के ट्रक में शराब की तस्करी का खुलासा, काफी वक्त से जारी था यह खेल। राजस्थान से तेलंगाना ले जाए जा रहे 58 ऊंट अमरावती में रोके गए, कत्ल के लिए ले जाने का है आरोप। बांदा में बैंक के भीतर कारोबारी के बैग से 1,00,000 रुपए पार, आरोपी गिरफ्त से बाहर। सोनमर्ग में स्नो एवलांच की हैरान करने वाली तस्वीरें, कई पेड़ तबाह। एवलांच से भारी तबाही की खबर, इलाके में अफरा तफरी। पिथौरागढ़ में बर्फबारी में फंसे 16 लोगों का रेस्क्यू, धारचूला प्रशासन के कहने पर एसडीआरएफ ने चलाई मुहिम। पुंछ में ताजा बर्फबारी से हालात खराब, जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में बर्फबारी का कहर, 4 दिनों से बंद है बद्रीनाथ तक जाने वाली सड़क। केप टाउन टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म, 223 रन पर सिमटी टीम इंडिया। केप टाउन टेस्ट में शतक से चूके कप्तान विराट कोहली, 79 रन बनाकर कगिसो रबाडा की गेंद पर आउट। ओपनर केएल राहुल ने 12 और मयंक अग्रवाल ने ठोके 15 रन, चेतेश्वर पुजारा ने बनाए 43 रन। आखिरी टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन अच्छी नहीं रही टीम इंडिया की शुरुआत। दक्षिण अफ्रीका को भी लगा पहला झटका, 17 रन पर गवाया पहला विकेट। दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव हुए मेक्सिको के राष्ट्रपति मैनुअल लोपेज, लिखा हल्के लक्षण के बाद खुद को किया आइसोलेट। उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, जापान और दक्षिण कोरिया ने की पुष्टि, पिछले हफ्ते भी किया था परीक्षण। यूक्रेन पर बेनतीजा रही अमेरिका और रूस के बीच 7 घंटे चली बैठक, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता बोले रूस की ओर से नहीं मिला कोई संतोषजनक जवाब। बोलिविया में दुर्घटनाग्रस्त हुआ छोटा निजी विमान, इंजन में खराबी के बाद आपातकालीन लैंडिंग के दौरान हादसा। अमेरिका के डॉक्टरों ने रचा इतिहास, दुनिया में पहली बार इंसान के अंदर धड़केगा सुअर का दिल।